है। ये इंटरव्यू लाइव हो रहा है और आप जानते हैं कि राहुल गांधी चुनौती देते रहे प्रधानमंत्री को कि वो आएँ और लाइव बहस करें, तो वो तो हुआ नहीं, लेकिन राहुल गांधी खुद ये इंटरव्यू लाइव दे रहे हैं, तो समय कम है तो हम उनसे जितना हो सकेगा बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आपका स्वागत है राहुल। बहुत धूप है लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने भाषण में कह रहे थे कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है, बहुत स्पष्ट नहीं हुआ राहुल गांधी किस विचारधारा से लड़ना चाहते हैं, क्या कमिटमेंट है उनकी इस लड़ाई का? जो विचारधारा देश में नफरत फैला रही है और जो देश के इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर आक्रमण कर रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस प्रेस के सामने आते हैं, कहते हैं कि हमें काम करना चाहिए, नोटबंदी होती है, आरबीआई के जो इंटेलिजेंस है, जो एक्सपीरियंस है, उसको परे करके प्रधानमंत्री जी दो मिनट में 500 हज़ार रुपये का नोट रद्द कर देते हैं। तो जो आरएसएस की विचारधारा है कि इस देश को एक संगठन चलाना चाहिए, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इस देश में आप ही अकेले लड़ते नजर आते हैं, कांग्रेस बहुत डिफेंसिव हो जाती है आरएसएस के नाम पर लड़ने के नाम। नहीं नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स के बिना मैं कौन हूँ? मैं तो कुछ नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी की जो वर्कर्स की आवाज आती है, जनता की जो आवाज आती है, वही तो मैं बोलता हूँ। इस वक्त आरएसएस नहीं, राहुल गांधी क्या है? कांग्रेस को लगता है, हाँ कांग्रेस को लगता है कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो इस देश की के लिए ठीक नहीं है, उसे लड़ना चाहिए। हाँ, सिर्फ कांग्रेस को नहीं लगता है, देश की जनता को लगता है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, किसानों से बात कीजिए, युवाओं से बात कीजिए, माताओं बहनों से बात कीजिए, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि भाई हमें मतलब डर लग रहा था, कोई ऐसी शक्ति है जो हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। डर की बात है। एक और महसूस किया है कि जो मैं आपको याद दिला दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी को की लॉयल्टी टेस्ट कर रही है, कि आप बताइए देशभक्त है या नहीं, ये इसे रोकना चाहिए, ये गलत। मुझे लगता है कि जिस सेकुलर फॉर्मेशन की आप बात करते हैं वो सेकुलर फॉर्मेशन मेजॉरिटी कम्युनलिज्म, बहुसंख्यक जो सांप्रदायिकता है, उससे सीधा जाकर नहीं फाइट कर रही। नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, फाइट एक तरफ बीजेपी आरएसएस और दूसरी तरफ देश की जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, जो ओपन माइंडेड फोर्सेस हैं, सब एक साथ लड़ रहे हैं। अब ज़रूर ये बात है कि उत्तर प्रदेश में उदाहरण के तौर पर बीएसपी और एसपी अलायंस में लड़ी और हम उस अलायंस में नहीं थे, मगर अगर आप देखें सब पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ी और अग्रेसिवली लड़ रही है। ये ट्रेंड आ रहा है कि जब माइनॉरिटी को छोड़ दिया गया इस इलेक्शन में, वो सबसे बिल्कुल हुआ बिल्कुल है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी आवाज को हिंदुस्तान में किसी भी आवाज को नहीं छोड़ा गया है। गांधी जी ने कहा था जो लाइन में आखिरी खड़ा है उसकी रक्षा करनी है और हम हिंदुस्तान के हर नागरिक की रक्षा करनी है, एक को नहीं छोड़ेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर आरएसएस के लोगों के खिलाफ किसी दिन अन्याय हो, अगर उनके खिलाफ हिंसा का प्रयोग हो, तो मैं उनकी भी मदद, उनकी भी रक्षा करूंगा। मेरा कहना है कि ये देश प्यार का देश है, इस देश में प्यार की भावना जीतती है और इस देश में जो भी हुआ है, जो भी प्रगति आई है, वो इस देश की प्यार की भावना के बल पे आई है। आप बार बार नरेंद्र मोदी को नफरत से भरा हुआ व्यक्ति कहते हैं, क्या आपको लगता है कि वो नफरत से भरे हुए, इतना हेट्रेड है उनमें? पर्सनल हेट्रेड है बहुत ज्यादा। हाँ, और पर्सनल हेट्रेड है राहुल, मैं आपको बताता हूँ। मैं उनसे मिलता हूँ पब्लिक फंक्शन, मैं प्यार से मिलता हूँ, बट उनका जो पर्सनल रैपोर भी है वो भी मतलब नफरत से मिलने वाले। हाँ, इस तरह से मुलाकात है, मैं मतलब मैं रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, प्यार से बात करता हूँ, वो रिस्पॉन्स नहीं देते। पर राहुल, आपने सारे इंटरव्यू में इस बात को महत्व नहीं दिया कि वो आपके परिवार पर हमला करते हैं, पर मेरा सवाल है कि जब 5 साल तक लगातार नेहरू पर हमला हुआ,
तो वो सिर्फ परिवार का मामला नहीं था, नेहरू के फाउंडेशन पर एक विचारधारा खड़ी थी जिस पर आपकी भी पार्टी चलती है। मुझे लगता है कि आपकी पार्टी ने नेहरू को ठीक से डिफेंड नहीं किया। नहीं देखिए, आप 5 साल पहले आप जैसे लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हरा सकता, नरेंद्र मोदी पर आक्रमण किसने किया, नरेंद्र मोदी से लड़े कौन। आप पत्रकार हैं, आपकी विचारधारा सॉर्ट ऑफ सेक्युलर विचारधारा है, तो आप जैसे लोग लड़े, आप पर आक्रमण हुआ, मगर जो पॉलिटिकल फाइट लड़ी गई वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है, उस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आप सिंपल सी बात है, नरेंद्र मोदी किसकी बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी अगर कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा आक्रमण भी कांग्रेस ने किया होगा, नहीं तो नरेंद्र मोदी कांग्रेस की बात क्यों करते। तो जरूर आसान काम नहीं था, मुश्किल काम था, मगर हम एक इंच पीछे नहीं हटे। हम पार्लियामेंट में लड़े, हम गांव में लड़े, हम शहरों में लड़े, सूट बूट सरकार, चौकीदार चोर है, जनता की जो आवाज थी हमने उठाई। राहुल, आप कहते हैं कि आप जब भी आपसे आज आपने कह रहे हैं, देखिए आज कोई भी पत्रकार नहीं कह रहा है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहा है, कोई भी नहीं कह रहा है। आप मुझसे मिलते हैं, आप नहीं, बाकी पत्रकार कल मुझसे मिले, मुझसे कहते हैं हाँ भाई इस बार तो बहुत मुश्किल लग रहा है, नरेंद्र मोदी नहीं। आपसे जब भी पूछा जाता है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप टाल देते हैं। मैं ये जानना चाहता कि पिछले 10 साल यूपीए की जब सरकार थी तो आप सरकार के भीतर नहीं थे, तो क्या आपकी सरकार के भीतर कोई भूमिका होगी? जब हमारी सरकार थी, मैंने मनमोहन सिंह जी को कमिटमेंट दिया था कि सरकार मनमोहन सिंह जी चलाएंगे और मैं उस सरकार में इंटरफेयर नहीं करूंगा। इसीलिए मेरा उनसे पहले कमिटमेंट था कि मैं सरकार में नहीं आऊंगा, और मैंने कांग्रेस उस टाइम के कांग्रेस प्रेसिडेंट को भी पहले शुरुआत में बोल दिया था कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा हूं, मगर मैं सरकार में काम नहीं करता। डे वन से मैंने कहा अब 23 तारीख को जनता डिसाइड करेगी, जनता कहेगी उनके दिल में क्या है, जनता कह देगी। अब जैसे मैंने स्टेज में कहा, जनता मालिक है, जो जनता कहेगी उसका पालन मैं करूंगा। मैं ये समझूं कि अगर जनता कहेगी तो आप सरकार में होंगे? जो जनता कहेगी मैं करूंगा। तो जनता कहेगी आप करेंगे? जो भी वो कहेगी मैं करूंगा, वो मालिक है। मैं 23 मई से पहले इस बारे में कभी नहीं कहूंगा, मैं कह ही नहीं सकता हूं, क्योंकि जनता ने डिसीजन नहीं लिया। मैं इस बात पे आता हूं कि आपने एक और बात कही, परिवार की बात कही, और नरेंद्र मोदी राजीव जी के बारे में बोलते हैं, इंदिरा जी के बारे में बोलते हैं, नेहरू जी के बारे में बोलते हैं, मेरे परिवार से उनका ज्यादा ऑब्सेशन, मतलब मेरे इमोशनल नहीं होते कि माँ के बारे में, पिता के बारे में, दादी के बारे में कहा जा रहा है, इमोशनल नहीं होते? नहीं, मैं अपने पिता की सच्चाई जानता हूँ, मैं अपनी माता की सच्चाई जानता हूँ, मैं दादी परदादा की सच्चाई जानता हूँ, सच्चाई जानता हूँ, तो आप जो भी कहना कह दीजिए, सच्चाई तो मैं जानता हूँ ना, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? अगर वहाँ पे कोई मतलब उल्टी सीधी बात बोल रहा है, वो तो वो बोल रहा है ना, मुझे उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मैं अपनी सच्चाई कहते हैं कि राहुल गांधी नामदार हैं, वो बहुत संघर्ष के बैकग्राउंड से आए हैं, आप राहुल बाबा कहते हैं अमित शाह। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, आप चुनाव लड़े हमसे, देखते हैं कौन जीतता है, पता लग जाएगा काम किसने किया किसने किया। 23 मई को तो पूरा का पूरा साफ हो जाएगा ना, 23 मई के बाद पूरा पता लग जाएगा। तो आप उस 23 मई का इंतजार कर? मैं तो जनता की आवाज को सुनूंगा, 23 मई को पूरा का पूरा पता लग जाएगा किसने क्या किया, किसने काम किया। सच्चाई देखिए, सच्चाई रवीश जी, सच्चाई तो बाहर आती है, सच्चाई को कोई नहीं छुपा सकता। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोले हैं, पिछले चुनाव में आते थे, कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहते थे 15 लाख बैंक अकाउंट में डाल दूंगा, कहते थे किसानों को मैं सही दाम दिलवा दूंगा, उसकी सच्चाई आपने देख ली, देश ने देख ली। तो अब वो भविष्य की बात तो नहीं कर सकते, प्रेजेंट की भी बात नहीं कर सकते, प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं चौकीदार चोर है, इस पल चौकीदार चोर है, अनिल अंबानी को पैसा दिया तो प्रेजेंट की बात नहीं कर सकते। एक सवाल है, आप अडानी और अंबानी पे अटैक करते बोले तो लीजिए, ठीक है, तो प्रेजेंट की बात नहीं करते, तो बीते हुए समय की बात करेंगे, बीते हुए समय की बात करेंगे तो परिवार की बात तो करनी पड़ेगी, मेरे ऊपर आक्रमण करना है तो मेरे परिवार के बारे में बात करेंगे। मगर नरेंद्र मोदी जी का समय बीत गया है, समय बीत गया है नरेंद्र मोदी का, और प्यार से कह रहा हूँ, राहुल गांधी का समय आ गया है? नहीं नहीं, जनता का, जनता कह रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ आप अडानी अंबानी पे। देखिए राहुल गांधी की पॉलिटिकल फिलॉसफी
राहुल गांधी कुछ नहीं है। राहुल गांधी को मिटाना चाहता है। राहुल गांधी जनता की आवाज बनना चाहता है। राहुल गांधी आप अपना सेल्फ नहीं रखना चाहते जनता के बीच। मैं सेल्फ को नष्ट करना चाहता हूँ, मैं सेल्फ को खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जब मैं किसान के घर जाऊं तो राहुल गांधी की आवाज ना हो, सिर्फ किसान की आवाज हो। बिल्कुल जो प्योर उसके दिल में जो बिल्कुल प्योर दर्द है वो राहुल गांधी समझे। अगर राहुल गांधी की आवाज बोलती है, राहुल गांधी उस बात को नहीं समझ सकता। राहुल एक आपने और यही किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, किसान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मजदूरों की बात कर रहा हूँ, मैं रवीश की बात कर रहा हूँ, अभी मैं रवीश से बात कर रहा हूँ। मैं समझना चाहता हूँ कि रवीश क्या फील कर रहा है, रवीश किस प्रकार से सवाल पूछ रहा है, रवीश चाहता क्या है और मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। क्या आप ये कहना चाहेंगे कि क्रोनी कैपिटलिज्म की बात करते हैं, अडानी अंबानी की बात करते हैं, हम इस बात पर कैसे भरोसा करें? क्योंकि अंबानी ने खुद कहा कि आपकी पिछली सरकार में 1,00,000 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले, क्रोनी कैपिटलिज्म उनका भी उस दौर में भी हिस्सा रहा है। मेरा एक सवाल है थॉट का कि क्या इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर राहुल गांधी की थिंकिंग बदल रही है, जो वो इकोनॉमिक पॉलिसी इस वक्त देश में चल रही है कि 1% का ही फायदा हो रहा है, बाकी का फायदा नहीं हो रहा है। क्या राहुल गांधी ने इस 5 साल में प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में कर्जा माफी की बात इसलिए आप कर रहे हैं क्लियर कट? देखिए, जिस मॉडल को 1990s में हिंदुस्तान ने इस्तेमाल किया और जिससे बहुत फायदा मिला, उसी मॉडल को 2004 में फिर से यूटिलाइज, थोड़ा चेंज करके फिर से यूटिलाइज किया। ठीक है, वो मॉडल 2012 चलना ही बंद हो गया। राइट, अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुई, नरेंद्र मोदी जी की ट्रेजेडी क्या है? नरेंद्र मोदी जी ने उसी मॉडल को फिर से उठा लिया। 2004 का जो मॉडल था, 2009 का जो मॉडल था और जो 12 में चूक गया, जो जिसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं मनमोहन सिंह जी एक्सेप्ट करेंगे, मैं एक्सेप्ट करूंगा कि जो 2004 में बहुत बढ़िया चला, 2009 में चला, 2012 में किसी ना किसी कारण फेल हो गया, चल नहीं रहा था। मैंने मनमोहन सिंह जी से बात की उस टाइम और मैंने उन बातों में उन्होंने कहा, राहुल जो 2004 और 2009 के बीच में चल रहा था वो चल नहीं रहा। घड़ी भाग रही है, मेरे सवाल भी भाग रहे हैं, वो नहीं, मगर मैं आपको थोड़ा गहराई में देना चाहता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी को अब हिंदुस्तान को अब एक नया मॉडल निकालना पड़ेगा। मगर पास्ट से फ्यूचर को जोड़ना पड़ेगा, पास्ट को भूल नहीं सकते, तो कंटिन्यूटी लेनी पड़ेगी। मगर ये जो आपने सवाल उठाया कि 2% लोग, 3% लोग सारा का सारा फायदा उठा लेते हैं, ये सेंट्रल कंसर्न है। अगर आप हिंदुस्तान को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसको करेक्ट करना ही पड़ेगा। एक राहुल गांधी के बारे में जो आपके आलोचक हैं वो कहते हैं कि आप छुट्टी ले लेते हैं, नरेंद्र मोदी तो सोते ही नहीं है, 3 ही घंटे सोते हैं और पूरा 18-18 घंटे काम करते हैं, राहुल गांधी काम नहीं करते। काम का मतलब क्या होता है? काम का मतलब जनता से बात करना, काम का मतलब जनता की बात आवाज सुनना, काम का मतलब जो जनता कहती है उसके बारे में सोचना, ये काम है हमारा। तो मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, देखिए आप रात को सोते नहीं हैं, आप 3 घंटे सोते हैं, सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, आइए मेरे से डिबेट कर लीजिए, आइए भ्रष्टाचार पे कर लीजिए, आइए इकोनॉमिक्स पे कर लीजिए, नोटबंदी पे कर लीजिए, GST पे कर लीजिए, किसानों की समस्या पे करनी। वो भ्रष्टाचार पे आप पे ही आरोप लगा देते हैं कि वो आप जमानत पर हैं नेशनल हेराल्ड केस में, रॉबर्ट वाड्रा आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर एक्शन लीजिए ना, इंक्वायरी कराइए, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ में पूरे औजार हैं, सब औजार हैं, राफेल पे भी करा दीजिए, थोड़ा सा मतलब 5 मिनट राफेल पे इंक्वायरी करा दीजिए। मैंने कहा आइए, आप 3 घंटा सोते हो, ठीक है, आइए मेरे साथ डिबेट कर लीजिए। और आपकी डिग्री क्या है? बार-बार ये सवाल आता है, लोग बार-बार क्यों पूछते हैं ये सवाल? एमफिल डिग्री है कैम्ब्रिज की। एमफिल डिग्री है, उसकी कॉपी मैं आपको कॉपी दिखा दूंगा आपको। आपने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी है, किस में पढ़ाई किया? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। एंटायर पॉलिटिकल साइंस मतलब हमारे प्रधानमंत्री की जो डिग्री है वो उनकी डिग्री है, उस पे मैं जाऊंगा नहीं, आप नहीं जानते हो। पर राहुल देखिए, एक सवाल, मगर आप सवाल का जवाब तो देने दीजिए, खुल के जवाब तो दे दीजिए। हां देखिए, नरेंद्र मोदी तीन घंटे सोते हैं। नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि भाषण देना और कमेंट्स करना प्रधानमंत्री का काम होता है। नहीं, प्रधानमंत्री का काम स्ट्रेटेजिकली सोचकर वो ज्यादा भाषण देते हैं। नहीं, वो
वो स्ट्रेटजी में बिलीव ही नहीं करते, उनकी किसी भी काम में स्ट्रेटजी नहीं है, वो इवेंट्स में बिलीव करते हैं, हम स्ट्रेटजी में बिलीव करते हैं। जम्मू कश्मीर को देखिए, जम्मू कश्मीर में हमने 9 साल, मैंने, मनमोहन सिंह जी ने, चिदम्बरम जी ने 9 साल काम किया। 2004 में भयंकर आतंकवाद था, 2012-13-14 में रीढ़ की हड्डी तोड़ दी आतंकवाद की, पाकिस्तान को पराया नेशन बना दिया, पूरी दुनिया में लोग कहते थे पाकिस्तान पराया नेशन है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है, स्ट्रेटेजिकली हमने काम। पर आपने पब्लिक को नहीं बताया ना, तो वो पब्लिक को बताते नहीं, नहीं नहीं, देखिए स्ट्रेटेजी के बारे में पब्लिक को बताया नहीं जा सकता, नहीं तो स्ट्रेटेजी किस बात की हुई। हमने क्या किया कश्मीर में, पंचायती राज, महिलाओं को एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप से बैंक से जोड़ा, रतन टाटा को ले गए। रतन टाटा को क्यों ले गए? कश्मीर, जम्मू कश्मीर के युवाओं को विजन दिखाने के लिए, देखिए हिंदुस्तान का ये विजन है, देखिए हिंदुस्तान क्या कर रहा है, इसमें आपको भी शामिल होना है। तो हमने प्लान करके, सोच समझ के, गहराई से काम किया। मनमोहन सिंह जी ने 90s में जो काम किया, 2004 में जो काम किया, जिससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी यहां तक पहुंची, वो भाषणों देकर नहीं किया, वो झूठे वायदे करके नहीं किया, उन्होंने नहीं, वो काम, उन्होंने वो काम सिस्टमैटिकली स्ट्रेटेजिकली सोच कर किया। राहुल गांधी को लगता है कि चुनाव आयोग दबाव है, चुनाव आयोग पर दबाव 100%। नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, कोई और कुछ कहते, वही बात कहता है, नरेंद्र मोदी को पनिशमेंट नहीं मिलती, उनको मिल जाती है। आप ईवीएम के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं? अगर आपकी सरकार आई तो क्या आप ईवीएम हटा देंगे? देखिए ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर टिप्पणी नहीं कर रहा, मगर मैं आपको ये रोल फेयर नहीं मानते आप? रोल फेयर नहीं, रोल मुझे फेयर नहीं लग रहा है। मुझे ये क्लियरली दिख रहा है कि जिस प्रकार से चुनाव के फेजेस बनाए गए हैं, वो नरेंद्र मोदी जी की मदद करने के लिए बनाए गए हैं। क्लियरली जिन स्टेट्स में बीजेपी को लास्ट में कैंपेन करना था, उन स्टेजेस वो चुनाव बाद में हुए हैं। क्लियरली जब कोई और कुछ कहता है उसको पकड़ लेते हैं, जब नरेंद्र मोदी वही बात कहते हैं कुछ नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी अलग अलग तरीके से, गलत तरीके से बोलते हैं, उनका कुछ कार्रवाई नहीं होती। सैम पित्रोदा ने ऐसा क्यों बोला? गलत बोला मैंने बोला उनको, मैंने बोला, आज बोला मैंने, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं बोला जा सकता। 84 को लेकर बहुत डिबेट हो गया है, तो राहुल गांधी की क्या उस पर? 84 पर कोई डिबेट नहीं है। मैंने कल बोला 84 वॉज अ ट्रेजिडी, भयंकर ट्रेजिडी, एंड जिन्होंने भी 84 में गलत काम किया है 100% उनको बुक करा जाना चाहिए, जेल होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। कोई उस पर डिबेट नहीं चाहता हूँ। आपने कहा 1 साल में 4 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, मैं 1.5 साल से नौकरी नहीं, 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 4 लाख नहीं, सरकारी 22 लाख बोले। मैं ऐसे किसी स्टाफ सिलेक्शन को नहीं जानता जो 1 साल में बिना कोर्ट केस धांधली पेपर लिख के दे देगा। क्या वाकई, और ये बयान उसी तरह से चलेगा जैसे 15 लाख वाला चलता है, क्या वाकई राहुल गांधी सीरियस है कि इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किसी भी स्टेट में अच्छा नहीं है? दो चीजें हैं, या किसी भी स्टेट में अच्छा नहीं है, मैंने देखा है। क्या आप ठीक लड़के बहुत परेशान? हम पूरी कोशिश करेंगे, हमारा असेसमेंट है कि हम 1 साल के अंदर 22 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे, अगर हम वहां परीक्षा कराकर बिना धांधली के, बिना कोर्ट, हमारी पूरी कोशिश होगी, मगर हम वहां नहीं रुकने वाले, हम वहां नहीं रुकने वाले हैं। मैनिफेस्टो अगर आप पढ़ेंगे हेल्थ केयर में और एजुकेशन में, हम पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने वाले और जबरदस्त तरीके से। आपने मालदा में कहीं कहा था कि सरकारी कॉलेज का नेटवर्क आप बेहतर करेंगे, हम चाहते हैं। समय में भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया और इस सरकार में और यूपीए के समय ध्यान दिया था। पर आपको सीरियसली लगता है कि आप इस पर एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, जिलों में, कस्बों में जो कॉलेज की हालत खराब है उसको आप ठीक करेंगे? अर्बन हिंदुस्तान में बिना पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, बिना पब्लिक एजुकेशन सिस्टम काम नहीं बन सकता, हो ही नहीं सकता। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का रोल है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का रोल है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन रास्ता दिखाता है, IIT दुनिया को बताता है। वो जो आप कह रहे हैं कि 2012 तक जो मॉडल चूक गया, अब इसको नया इन्वेंशन करना पड़ेगा, सरकार की भूमिका को बढ़ानी पड़ेगी, सरकार की भूमिका हेल्थ केयर और एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी और हाई क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस देने पड़ेंगे। देखिए हम एम्स की बात करते हैं,
हम आईआईटी की बात करते हैं, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, मगर 1950s के इंस्टीट्यूशंस, 2019 के इंस्टीट्यूशंस नहीं। हम 2019 के इंस्टीट्यूशंस बनाना चाहते हैं, हेल्थ केयर में, एजुकेशन में। और आइडिया क्या है? एक, बेसिक नीड्स को कवर करना, और दूसरा प्राइवेट प्लेयर्स को मालूम हो कि हाँ भैया आईआईटी है, ये हाईएस्ट क्वालिटी का इंस्टीट्यूशन है और हमें इनसे मुकाबला करना है। तो एक गाइड का काम और दूसरा नेटवर्क बनाने का। आपने अपने मैनिफेस्टो में मीडिया के बारे में भी कहा है कि कुछ मैकेनिज्म लाना पड़ेगा जिसमें फेयरनेस हो। आपका इंटरव्यू तो चल जाता है और छप जाता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ऑपोजिशन को फेयर स्पेस मिलता है मीडिया में? इस पिछले 5 साल में ऑपोजिशन को फेयर स्पेस मीडिया में नहीं मिला। आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर ठीक करने की जरूरत? बिल्कुल बिल्कुल फेयर स्पेस नहीं। मतलब मैं आपको बताऊं, राफेल इज ओपन एंड शट। मतलब राफेल में डिफेंस मिनिस्ट्रीज के ऑफिसर्स को लिखा है प्राइम मिनिस्टर्स कैरिंग ऑन पैरेलल नेगोशिएशन। वही क्रिमिनल, वही कागज क्रिमिनल है। प्राइम मिनिस्टर हैज नो बिजनेस कैरिंग ऑन। जांच करवाएंगे? जांच होगी, मैं नहीं करवाऊंगा। कानून तोड़ा गया है तो होगी जांच, मगर राफेल जैसे मुद्दे पर प्रेस उठाती नहीं। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हमने प्रेस में उठवाया, नहीं तो प्रेस का नेचुरल मोड राफेल को उठाने का नहीं था। और राफेल इज ओपन एंड शट। देखिए, राफेल में फ्रेंच गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा उसका टैक्स माफ किया है राफेल डील के एकदम बाद। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने की बात नरेंद्र मोदी ने मुझसे की, प्रेस को कहता है। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान में हवाई जहाज नहीं बनेगा। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है 1600 करोड़ रुपए में हवाई जहाज खरीदा जाएगा, 526 में नहीं, नरेंद्र मोदी ने कहा। ओपन एंड शॉट, मगर दबाव फुल सरकार का दबाव। और उस दबाव पर भी, उस दबाव के बाद उसने ये तो आप जैसे लोगों के ऊपर है, मगर उस दबाव के बाद कांग्रेस पार्टी राफेल के खिलाफ खड़ी रही, सच्चाई के साथ खड़ी रही, एक इंच पीछे नहीं हटे, और उसका नतीजा है कि आज चौकीदार चोर है। प्रेस की बात, बातचीत करने के बाद, डिस्कशन के बाद, और बिना किसी आवाज के दबाए हम ये काम कर सकते हैं। आपकी जगह है, आपका रोल है। किसी पत्रकार ने मुझे पूछा वॉज द प्रेस अनफेयर टू राहुल गांधी? नो, प्रेस इज नॉट अनफेयर टू एनीबॉडी, ये आपका काम है। कभी कभी आप थोड़ा ज्यादा कर देते हो, अच्छा है, करना चाहिए। आपका मजाक उड़ाया गया, वो सही है, कहा गया, लतीफे बनाए गए, मीम बनाया गया, गुस्सा नहीं आया आपको? नहीं, मुझे तो मजा आया। आपको मजा आ रहा? मजा आ रहा था मुझे, मैं आप बता रहे, मैं पर्सनली नहीं लिया। अरे कहां पर्सनली, मुझे इससे बड़ी, मतलब इससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। आप मेरे गुरु हो, आप सब मेरे गुरु। मजाकों से आप हंस रहे थे और सीख रहे थे, मुझे तो मजा लगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पर बहुत लोगों ने कहा कि मजाक उड़ता है तो इनमें लीडर बनने की संभावना नहीं है, आप सीख रहे थे उसी दौरान? मैं सबसे सीखता हूँ, मैंने बोला नरेंद्र मोदी से सीखता हूँ, मैं आरएसएस से सीखता हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ, मैं जहां भी मुझ पर, मेरे बारे में कुछ कहा जाता है, मैं सुनता हूँ। 3 सवाल एक साथ पूछता हूँ। क्या नोटबंदी एक स्कैम है? अगर है तो क्या आप जांच करेंगे सोहराबुद्दीन के केस में और जज लोया के केस में? क्या राहुल गांधी, अगर आपकी सरकार आती है सेकुलर फॉर्मेशन की, तो इन बातों की जांच? देखिए, हम विंडिक्टिव नहीं है, तो हम जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी काम करते हैं हम वैसा काम नहीं करते, मगर अगर कानून तोड़ा गया है, अगर गलत काम किया गया है, तो देन लॉ विल टेक इट्स कोर्स, लॉ विल बी अलाउड टू टेक इट्स कोर्स, लॉ विल नॉट बी प्रेशराइज्ड वन वे और अनदर वे। आपको लगता है जुडिशरी भी प्रेशराइज में है? मुझे क्या लगता है, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रेस के सामने आए, कहते भैया हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। कौन सी शक्ति उनको काम नहीं करने दे रही है? किसकी बात कर रहे थे वो? उसी शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उसी शक्ति से आप लड़ रहे हैं, और आपको भी मतलब बहुत, मतलब हेट मेल आता है, आपके ऊपर भी आक्रमण होते, मैं समझता हूँ। पर राहुल, प्रियंका संसद में जाएंगी, आप भी काफी बहादुर हैं, मुस्कुरा लीजिए थोड़ा। प्रियंका संसद में जाएंगी, एक सेकंड, दो सेकंड, आप कंक्लूड करना पड़ेगा, बस कंक्लूड। प्रियंका संसद में जाएंगी?
अब देखना पड़ेगा, देखना वायनाड या अमेठी कहीं से। अब तो दोनों के चुनाव हो गए, आप बोल सकते हैं। नहीं, इसके बारे में सोचा नहीं मैंने, इसके बारे में आप रियलिस्टिकली। मायावती से आपका क्या झगड़ा है, उन्होंने आपके लिए अपील की है? मुझे मायावती जी, हाँ मायावती जी देश में एक सिंबल है, हमारी पार्टी की नहीं है, बीएसपी के हैं, मगर देश की, देश में उन्होंने एक मैसेज दिया। मैं उनका आदर करता हूँ, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, अच्छी लगती है मुझे। जरूर बीएसपी में लड़ाई है, तो पॉलिटिकल फाइट में कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन और हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन को आप रिस्पेक्ट करते हैं? अरे मैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अखिलेश का करता हूँ, स्टालिन जी का करता हूँ, मैं उससे भी आगे जाता हूँ। नरेंद्र मोदी जी का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया देश को किस प्रकार नहीं चलाना चाहिए। नरेंद्र नहीं दिखाया, मैं उससे मैं ये करा उन्होंने कि देश को किस प्रकार नहीं चलाया। कंट्रीब्यूशन है, मैंने देखा कि अगर आप बिना किसी से सोचे, बिना किसी से सुने, बिना किसी की आवाज सुने, अगर आप नोटबंदी जैसा काम करेंगे, देश का नुकसान होगा। कंट्रीब्यूशन है। और एक और कंट्रीब्यूशन है नरेंद्र मोदी का जो जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल। नरेंद्र मोदी की कम्युनिकेशन स्किल कोई मैच नहीं कर सकता, कोई मैच नहीं कर सकता। आप कोशिश हिंदुस्तान नहीं करेंगे, नहीं, पर आप काफी सहज हो गए हैं टेलीविजन इंटरव्यू को लेकर। इतना लेट क्यों किया आप, प्रिंट को इंटरव्यू दे रहे थे टीवी तक आने में, कुछ बुनियादी शक था आपके भीतर, हेजिटेशन? नहीं नहीं, हेजिटेशन नहीं था। नो हेजिटेशन, आई एम नॉट हेजिटेट। नहीं है क्या, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा गलती हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे राहुल ने गलत आंसर दे दिया, तो क्या हुआ? गलतियां तो होती रहती है, कल भी होंगी, परसों भी होंगी, पहले भी हुई है। राहुल गांधी, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। थैंक यू रोहित जी, आप और आप यहाँ आए इतनी दूर से, थैंक यू। आप धूप में बैठे हैं, मुझे तो आदत, मुझे धूप अच्छी लगती है, मुझे आपको धूप अच्छी, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू।